नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। मैं आपके साथ स्वाति। पश्चिमी चंपारण में एक महिला पर बेटी की हत्या का आरोप लग रहा है। स्वजनों का आरोप है कि शादी के बाद भी महिला के दोस्तों का आना जाना रहता था। इस मामले को लेकर बेटी हमेशा विरोध करती थी, लेकिन इस बात का महिला पर असर नहीं पड़ता था। हालांकि बेटी के गायब होने की सूचना लेकर थाने पहुंची महिला के हाव भाव से पुलिस को भी इस पर शक हो गया है। बता दें कि थाना क्षेत्र के बगीचा रेस्टोरेंट के पास चंद्रावत नदी से पुलिस ने गुरुवार की देर शाम में हरदिया गाँव निवासी मोतीलाल प्रसाद की पुत्री शिल्पी कुमारी का शव बरामद किया। मामले में दो दिन पूर्व बच्ची की मां ने थाना में गुमशुदगी का केस भी दर्ज कराया था। बच्ची के पिता हैदराबाद में मजदूरी का काम करते हैं। मृतका के बड़े पापा श्री पूजन महतो ने बच्ची की मां पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस भी हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। मृतका की मां से पूछताछ की जा रही है। वही इस मामले में एक अन्य को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की शाम ग्रामीण ने बच्ची के शव को नदी में बहते हुए देखा था। अभी के लिए थोड़ा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया। मृतक के बड़े पापा ने बताया कि बच्ची की उम्र सिर्फ 9 वर्ष है। उसकी मां का चाल चलन ठीक नहीं है, जो बच्ची को पसंद नहीं था। इस वजह से ही उसकी मां ने उसकी हत्या कर शव नदी में फेंक दिया था। थाना अध्यक्ष उग्रनाथ झा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कई बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की छानबीन की जा रही है। मृतक के स्वजनों से भी पूछताछ की जा रही है। 20 जुलाई को बच्चे की मां थाने में अपनी पुत्री की गुमशुदगी का आवेदन देने आई थी। अगले दिन वो फिर थाना आई और बताया कि संभव है कि उसकी पुत्री की किसी ने हत्या कर दी है। पुलिस को उसके हाव भाव पर शक है। पुलिस मोबाइल की कॉल डिटेल्स भी खंगाल रही है। ग्रामीण सूत्रों के अनुसार पूर्वी चंपारण के एक गाँव का युवक वहाँ आता जाता था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।